आयुष्मान खुराना नुसरत भरूचा की फिल्म ड्रीम गर्ल 13 सितंबर को रिलीज हो रही है। फिल्म के स्टारकास्ट रविवार को द कपिल शर्मा शो में पहुंचे। फिल्म के स्टारकास्ट के साथ फिल्म के डायरेक्टर राज संडलाई भी पहुंचे। राज ने फिल्म ड्रीम गर्ल के डायरेक्शन में डेब्यू किया, लेकिन उनका कपिल और कृष्णा अभिषेक से पुराना नाता है, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल राज वही शख्स हैं जिन्होंने कॉमेडी सर्कस में कभी कपिल शर्मा के लिए 200 स्क्रिप्ट लिखी थी। छोटे पर्दे से अपने करियर की शुरुआत करने वाले राज ने साल 2006 में बतौर कंटेंट राइटर कॉमेडी सर्कस शो से शुरुआत की थी। इसके साथ ही राज ने तकरीबन 350 स्क्रिप्ट कृष्णा अभिषेक सुदेश लहरी के लिए भी कॉमेडी सर्कस के दौरान लिखी। इसके और उनके नाम साल 2013 में 625 स्क्रिप्ट लिखने का लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। कपिल शर्मा कृष्णा अभिषेक संग राज का काफ़ी गहरा नाता है। यही वजह है कि शो पर उनके आते ही कृष्णा अभिषेक ने उन पर मजाक में कई तंज कहे। कृष्णा ने कहा, कई लोग जिन्हें हमने काम दिया इनकी और उनकी जब बारी आई तो आयुष्मान खुराना को चुन लिया। कृष्णा का साफ इशारा राज की तरफ था, जो कि पहली बार डायरेक्शन में उतरे थे। राज से कपिल शर्मा ने पूछा कि ड्रीम गर्ल फिल्म का आइडिया कैसे आया। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, मैंने ये काम कॉमेडी सर्कस के टाइम किया। कितनी बार हमने लड़कों को लड़की बनाया है, ये काम तो कॉमेडी सर्कस से चला है। लेकिन जब इस कहानी के बारे में मेरे को राइटर ने कहानी सुनाई तो लगा कि तो पुरानी, लेकिन चलो एक बार कोशिश करते हैं। मुझे यकीन है कहानी आप सभी लोगों को बेहद पसंद आएगी। वेल, आपको बता दें 13 सितंबर को रिलीज होने वाली फिल्म को दर्शकों को काफ़ी समय से बेसब्री से इंतज़ार है। फिल्मी अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।